नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओमिक्रॉन को लेकर देश की कोविड-19 स्थिति पर एक बैठक करेंगे। हाई लेवल बैठक में ओमिक्रॉन से निपटने को लेकर पीएम अधिकारियों को कड़े निर्देश दे सकते हैं, ताकि भविष्य में हर संभावित समस्या से निपटा जा सके। पीएम मोदी आज वाराणसी के खरकियाव में गुजरात के बांसकांडा जिला दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड की बनास डेयरी का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी जिले बनासकांडा को 2100 करोड़ रुपए की लागत वाली 25 परियोजनाओं की सौगात देंगे। 2100 करोड़ की परियोजनाओं में खरकियाव में डेयरी संयंत्र का शिलान्यास, बेनियाग बाग पार्किंग और इंडस्ट्रीग्रेटेड सर्विलेंस सिस्टम सहित अन्य कार्यक्रमों का लोकार्पण होगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह मिशन मोड में आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में फिर से बीजेपी की जीत के लिए अमित शाह 24 तारीख से अपना सियासी दौरा शुरू करेंगे। अमित शाह 10 दिन में 7 दिन यूपी का दौरा करेंगे। इसकी शुरुआत 24 दिसंबर को प्रयागराज से होगी। अमित शाह अयोध्या में रामलला के दर्शन भी करेंगे और रोड शो भी करेंगे। इस यात्रा के दौरान करीब 140 विधानसभा क्षेत्र को कवर करने के लिए 21 सभाएं और 3 रोड शो भी करेंगे। नीलोखेली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरु ब्रह्मानंद कन्या महाविद्यालय अंजन स्थली में जनसभा को संबोधित करेंगे। करनाल में सीएम मनोहर लाल करीब 12:30 बजे अनाज मंडी में नशा मुक्ति अभियान के तहत संकल्प समारोह और जनसभा को संबोधित करेंगे। करनाल में सीएम मनोहर लाल करीब 1:30 बजे वाल्मीकि भवन का उद्घाटन भी करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। शीतकालीन सत्र में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि डबवाली से पानीपत तक एक्सप्रेसवे बनेगा, जो ईस्ट और वेस्ट हरियाणा को जोड़ेगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि डबवाली से पानीपत तक बनने वाले एक्सप्रेसवे का कनेक्शन 7 नेशनल हाईवे से होगा। एक्सप्रेसवे 1 जाने के भारी वाहनों का दबाव कम हो जाएगा। केंद्र सरकार ने एक्सप्रेसवे के लिए 80 लाख की डीपीआर तैयार करने की मंजूरी दी है। विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन, जहां इसराना से विधायक बलबीर सिंह ने सिंघू पर सिवरेज का मुद्दा उठाया। इसराना से विधायक बलबीर सिंह ने सरकार से कहा कि कबाड़ी गांव के पास सिवरेज की निकासी दी जाए, जिसका समर्थन महीपाल ठाणा ने किया। वहीं शीतकालीन सत्र में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में पानी की कमी है, इसलिए एसटीपी लगाकर पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि अगर जमीन उपलब्ध हो जाती है तो एसटीपी लगाकर सिंचाई का बंदोबस्त किया जा सकता है। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 1 एकड़ के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगर जमीन प्रोवाइडेड हो जाएगी तो वहां एसटीपी लगाएं। वहीं शीतकालीन सत्र में हांसी के विधायक ने विद्यालय को स्थानांतरित करने की बात कही है, जिस पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हर जगह उपलब्ध हो जाने पर विद्यालय स्थानांतरित किए जाएंगे। विधायक वरुण चौधरी ने खेल विभाग के मुद्दे पर कहा कि खेल विभाग को युवा मामले से अलग किया जाए, क्योंकि दोनों विभाग सिक्के के 2 पहलू हैं। महाविधायक बलराज कुंडू ने डॉक्टर्स की कमी को लेकर सवाल किया है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि जैसे ही भर्ती शुरू होगी खाली पड़े पद भरे जाएंगे। सोनीपत के कुंडली स्थित निफ्टेम में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दौरा किया है। निफ्टेम स्वास्थ्य संस्थान में पहुंचने पर राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल और सांसद रमेश कौशिक का
स्वागत किया गया। सांसद रमेश कौशिक ने संस्थान के पार्क में पौधारोपण किया। पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान प्रहलाद पटेल ने कहा कि निफ्टम कैंपेन में पहुंचकर उन्हें काफी अच्छा महसूस हुआ है और उन्होंने कहा कि मंत्रालय को हो या इंडस्ट्री, दोनों के लिए फूड प्रोसेसिंग संस्थान रीढ़ की हड्डी है। हरियाणा राजभवन के सभागार में युवा चेतना की तरफ से स्वामी सदानंद सरस्वती वेदांति जी महाराज की पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया है। महाराज पुण्यतिथि समारोह का शुभारंभ स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने महाराज के चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलित किया है। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि स्वामी सदानंद सरस्वती वेदांती जी महाराज के सनातन धर्म के विकास पर बहुत काम किया। स्वामी वेदांती जी के दिखाए रास्ते पर युवा पीढ़ी को चलाना चाहिए। ओमिक्रॉन का खतरा हर दिन बढ़ता जा रहा है। देश में ओमिक्रॉन की संख्या 238 हो गई है। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 65 मामले हो गए हैं। लोगों से कोविड-19 गाइडलाइन पालन करने की बात कही जा रही है। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 24 मामले आ गए हैं। लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई है। केरल में ओमिक्रॉन के 15 मामले आ गए हैं। इसके बावजूद लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। गुजरात में 24 घंटे में सामने आए ओमिक्रॉन के 9 नए मामले, जिसके बाद राज्य में कुल ओमिक्रॉन की संख्या 23 हुई। जम्मू में ओमिक्रॉन के 3 मामले हो गए हैं। इस दौरान सरकार ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। तेलंगाना में ओमिक्रॉन मरीज का इलाज कर रहे डॉक्टर भी नए वेरिएंट से संक्रमित हो गए हैं। प्रदेश में कोरोना के नए 33 केस, एक दिन 26 मरीज हुए रिकवर। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 300 के पार। दुनिया के 90 देशों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। वहीं इजराइल में ओमिक्रॉन के एक मरीज की मौत हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना मरीजों की संख्या 6,317 हो गई है और 318 मरीजों की मौत हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 6,906 कोरोना संक्रमित ठीक हो चुके हैं, जबकि कोरोना के एक्टिव केस 78,190 हो गए हैं। गुरुग्राम में कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। जिले में कोरोना के नए मामलों ने शतक लगाया। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने लखीमपुर खीरी किसान हत्याकांड पर सरकार पर सारा निशाना, कहा सरकार अजय मिश्रा को बचा रही है और सत्ता का दुरुपयोग से भी ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि मामले में बीजेपी का अपना धर्म बनता था कि उसको सत्ता के रास्ते से बाहर निकाल देते और सजा देते, लेकिन सरकार ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। कालनवाली शहर के वार्ड नंबर 5 में दादू रोड पर बने कचरा प्लांट को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से शहर के वार्ड नंबर 5, 6 और 10 के लोगों के साथ सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर लोगों की अगुवाई आम आदमी पार्टी के हल्का प्रधान इकबाल सिंह चकेरिया, उप प्रधान जसवंत सिंह जस्सी, शहरी अध्यक्ष महेश आजाद ने की। प्रदर्शनकारी लोगों ने कहा कि एक तरफ केंद्र और प्रदेश की सरकार स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है और योजनाएं लागू कर रही हैं, दूसरी ओर रिहायशी इलाकों में कचरा प्लांट बना दिया गया है। देश में सालों से लंबित पड़ी नागरिक शिकायतों के निपटारा करने के लिए केंद्र सरकार देशव्यापी सुशासन समाप्त कैंपेन चला रही है। इस कैंपेन का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों में प्रशासन की पहुंच को बढ़ावा देना है। इसी से कैंपेन को प्रशासन गांव की ओर टाइटल दिया गया है। इस दौरान वल्लभगढ़ प्रशासनिक कार्यालय में एसडीएम त्रिलोक चंद ने कई सरकारी कर्मचारियों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की।
एसडीएम त्रिलोक चंद ने उन्हें सुशासन सप्ताह कैंपेन पर बताया कि हमें जनहित समस्याओं पर पूरी ईमानदारी से कार्यवाही करनी चाहिए ताकि जनता की समस्या का जल्द समाधान हो जाए। आजादी का अमृत महोत्सव एक रूप से 20 और 25 दिसंबर को सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है जिससे हर जिले की तहसील में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अम्बाला में नगर परिषद ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सब्जी मंडी में अवैध तरीके से दुकान चलाने वालों पर ये कार्रवाई की गई है। जेसीबी मशीन की मदद से सब्जी वालों सहित एक हलवाई की दुकान को तुड़वाया गया। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों ने विरोध जताया। नगर परिषद अपनी कार्रवाई करने में खरा उतरा। नगर परिषद सचिव ने बताया कि बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी कुछ रेहड़ी और फड़ी वालों ने पक्के बना दिए हैं। नियम 134A के तहत छात्रों को दाखिला नहीं मिलने पर छात्रों के अभिभावकों ने रेवाड़ी के जिला सचिवालय में नौनिहाल क्लास लगाई। कुरुक्षेत्र में पब्लिक हेल्थ ग्रामीण जल ऑपरेटर का धरना प्रदर्शन। पिछले 9 माह से वेतन न मिलने से ऑपरेटरों ने दिया धरना। जिले में जल भवन का किया घेराव। सिरसा में सर्व कर्मचारी संघ आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्पर यूनियन ने सेंटर की तालाबंदी रखते हुए 15वें दिन भी लघु सचिवालय में धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, कहा कि जब तक उनकी सुनवाई नहीं होती और मांगे नहीं मानी जाती तब तक आंदोलन जारी रखेंगे। नूह जिले में लघु सचिवालय पर आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्पर वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। आंगनवाड़ी वर्करों ने सरकार के खिलाफ ये जमकर नारेबाजी की। चरखीदादरी जिले में 15वें दिन भी आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों की हड़ताल। उनका कहना है कि सरकार अगर उनकी मांगे नहीं मानती तो धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। गोला चीका में अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय के बाहर रोष प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि गोला से खरका तक सड़क की हालत खस्ता है जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लोगों का कहना है कि 3 साल पहले सड़क का निर्माण हुआ था जो अब पूरी तरह से टूट चुकी है, लेकिन सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं गया। यमुनानगर में नशे के खिलाफ पुलिस की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस ने कई टीम नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में एक ही रात 3 अलग अलग घरों में चोरी करने का सीसीटीवी सामने आया है। वहीं स्थानीय लोगों ने सीसीटीवी में चोरों की पहचान कर चोरों को पकड़ लिया है और पुलिस के हवाले किया है। गुरुग्राम के सेक्टर 18 में पिछले काफी समय से बंद पड़ी एक बिल्डिंग में आग लगी है। आग लगने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। बिल्डिंग में लगी आग इतनी भयंकर थी कि अंदर जो भी सामान रखा था वह जलकर खाक हो गया। हालांकि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। गनीमत रही कि हादसे के दौरान कोई शख्स कंपनी में मौजूद नहीं था। इस दौरान किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ। गोहाना नगर परिषद ने के स्वच्छता अभियान के लिए पूर्व ओलंपिक मेडल विजेता योगेश्वर दत्त को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। योगेश्वर दत्त ने कहा कि स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जाएगा। पूर्व ओलंपिक विजेता योगेश्वर दत्त ने लोगों से घर और आसपास सफाई रखने की अपील की है। कहा है कि घरों का कूड़ा सिर्फ कूड़े ले जाने वाली गाड़ी में डालें। 2021 की स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार में नॉर्थ जोन में गोहाना का 35वां स्थान था और प्रदेश में दूसरा।
बहादुरगढ़ में IOCL की पाइपलाइन से तेल चुराने वाले तीनों आरोपी रोहतक से गिरफ्तार। पाइपलाइन से तेल चोरी की कई वारदातों में आरोपी शामिल रहे हैं। पुलिस ने मौके से पाइपलाइन में सुराख करने वाले उपकरण और गाड़ी बरामद किए हैं। 13 दिसंबर को वारदात को अंजाम दिया गया। 5 आरोपी थे तेल चोरी की वारदात में शामिल। कुरुक्षेत्र में एंटी नार्कोटिक सेल की टीम को कामयाबी मिली है। नार्कोटिक सेल ने 2 क्विंटल 10 किलोग्राम चूरा पोस्त सहित हो 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नशा तस्कर मध्य प्रदेश और राजस्थान से ट्रक में अन्य सामान के साथ चूरा पोस्त भी लेकर आते थे। नार्कोटिक सेल ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की शुरुआत की। बहादुरगढ़ में प्राइवेट स्कूल उड़ा रहे हैं सरकार के आदेशों की धज्जियां। 134A के तहत टेस्ट पास करने वाले विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूल नहीं दे रहे हैं एडमिशन। अभिभावक प्राइवेट स्कूल और सरकारी अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काटने में मजबूर। अभिभावकों का कहना है कि विद्यार्थियों के भविष्य से हो रहा है खिलवाड़। पानीपत में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासनिक कार्रवाई। अधिकारियों ने शिकंजा कसना शुरू किया है। पानीपत की कालिदास कॉलोनी में अवैध रूप से बनाए जा रहे अवैध मकानों पर प्रशासन ने पीला पंजा चलाया। पानीपत की कालिदास कॉलोनी में शिकायतकर्ता की शिकायत पर आज नगर निगम की टीम स्थानीय DTP अधिकारियों को लेकर मौके पर पहुंची। कॉलोनी में बने अवैध निर्माणों को गिराया गया। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग को मिली बड़ी कामयाबी। सीएम फ्लाइंग ने 7000 लीटर बायोडीजल को अवैध रूप से गाड़ियों में डालते हुए एक्सेसिस करियर एंड लॉजिस्टिक कंपनियों के 2 लोगों को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद के सेक्टर 15 की मार्केट में दिन दिहाड़े बंदूक की नोक पर लूट का मामला सामने आया है। पलवल में नेशनल हाईवे पर चलती गाड़ी में अचानक आग लग गई। महज 2 मिनट में गाड़ी धू धू करके जलकर खाक हो गए। झज्जर के ट्रेड फेयर मेले में एक युवक की मौत। अपनी मासूम बच्ची के लिए मेले में गुब्बारे खरीदने गया था युवक। नरवाना के गढ़ी थाना के एक दिल दहलाने वाली घटना, जहां एक ही परिवार के 3 सदस्य पति पत्नी तथा बेटा फांसी के फंदे पर लटकते मिले। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुरुग्राम में चौहरे हत्याकांड का खौफनाक सीसीटीवी वायरल। वायरल वीडियो में आधा दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने पूर्व सरपंच के परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। वारदात बीती 4 नवंबर 2021 दिवाली की रात शाम मानसेर के कासना गांव की है, जहां पूर्व सरपंच के परिवार के 6 सदस्यों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने वारदात में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भिवानी में 2 पक्षों में विवाद के चलते ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। फायरिंग में एक युवक को गोली मार लग गई। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट और सर्द हवाओं की वजह से मैदानी इलाकों में इसका असर दिखाई देगा। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार गेहूं और सरसों की फसल पर तापमान में आई गिरावट का अच्छा असर होगा। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में AQI 400 के पार दर्ज किया गया। हिसार की आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में, जहां AQI 344 के पार दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में बुधवार को 1 घंटे के भीतर 2 आतंकी हमले। पहले हमले में श्रीनगर के ईदगाह में आतंकियों ने एक शख्स पर फायरिंग की। फायरिंग में एक शख्स की मौत। आतंकी हमले के 1 घंटे बाद आतंकियों ने अनंतनाग में पुलिस अफसर पर फायरिंग की। इस हमले में SSI मोहम्मद अशरफ शहीद हो गए।
समाजवादी पार्टी के नेताओं और उनके सहयोगियों पर आयकर छापों के दौरान हुआ बड़ा खुलासा। छापेमारी में 800 करोड़ रुपए के घोटाले और टैक्स चोरी का पता चला। अखिलेश यादव के करीबी ने नोएडा में एक विवादित जमीन 92 लाख में खरीदी, जबकि बाजार में उसकी कीमत 40 करोड़ रुपए है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देशभर में चीनी मोबाइल कंपनियों से जुड़ी जगहों पर छापेमारी की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईटी के अफसरों ने बुधवार सुबह रेड की कार्रवाई शुरू की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में कंपनियों के दफ्तरों पर छापेमारी की।